दोस्तों अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है, तो वहाँ पर आपको सीला टनल दिखेगा जो कि दुनिया का सबसे लंबा ट्विन लैंड टनल है। यहाँ पर गाइस आपको बताना चाहेंगे कि इस सुरंग को 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इतने ऊंचाई पर इतना लंबा सुरंग दुनिया में कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसे वर्ल्ड का सबसे लंबा सुरंग बोला जाता है। सबसे हाई एल्टीट्यूड पर इसे हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। वहीं अगर बात करें दुनिया के सबसे लंबे रेल सुरंग के बारे में, तो दुनिया का सबसे लंबा रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में मौजूद है जो कि 57 किलोमीटर लंबा है। ये 2017 में ओपन हुआ था, इसे बनाने में 17 साल का समय लगा था। अब अगर बात करें कि दुनिया का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा है, तो गाइस दुनिया का सबसे लंबा सड़क सुरंग नॉर्वे में है। इसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है, जिसको कि आयरलैंड और लायरलैंड के बीच में ओस्लो और बेर्जोन को जोड़ने के लिए बनाया गया है। अब अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सुरंग कौन सा है, तो गाइस वर्ल्ड का सबसे बड़ा समुद्री सुरंग जापान में है, जिसको कि सिंकन टनल कहते हैं। इसकी लंबाई 53.9 किलोमीटर है। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि अपने प्यारे भारत के बेंगलुरु में दुनिया का सबसे लंबा सड़क सुरंग यानी कि हाईवे सुरंग को बनाया जा रहा है? अभी इसका कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका रूट मैप तैयार हो गया है, कितना खर्चा होगा वो भी तैयार हो गया है, बस इसका काम स्टार्ट होना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी हाईवे नेटवर्क टनल के बारे में जानेंगे कि आखिर भारत इतनी लंबी सुरंग को क्यों बना रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको दुनिया के सबसे बड़े सड़क सुरंग के बारे में बताया जो मात्र 24.5 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग जिस सुरंग को बनाने वाले हैं उसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर के पार होगी। तो आइए बात करते हैं आखिर भारत इतना लंबा सुरंग क्यों बना रहा है, कब इसका काम स्टार्ट होगा, कितना बजट है, कितना खर्च होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, आइए जानते हैं सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों बेंगलुरु शहर साउथ इंडिया स्टेट कर्नाटक की राजधानी है और ये कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी है। बेंगलुरु शहर को दुनिया भर में जाना जाता है, इसे विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु टॉप इंजीनियरिंग और रिसर्च सेंटर के लिए पूरे वर्ल्ड में विख्यात है। इसरो की बात हो या फिर DRDO की बात हो, सब यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर आपको 5,500 से ज्यादा IT कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएंगे। हमारी इंडियन IT इंडस्ट्री 4.1 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाती है और हर साल लगभग 137 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट को भी करती है। न सिर्फ भारत बल्कि भारत के आसपास के जो पड़ोसी कंट्री हैं, वो भी बेंगलुरु जैसे शहर में जॉब करने के लिए आते हैं और यही कारण है कि बेंगलुरु का जो ट्रैफिक है वो मुंबई के जैसा ही बढ़ते जा रहा है। आज के टाइम में बेंगलुरु शहर की आबादी 14 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि करीब करीब 1.5 करोड़। आज के टाइम में बेंगलुरु की ट्रैफिक चारों ओर से बढ़ते जा रही है। शहर का जो एरिया है वो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। बेंगलुरु को डेवलप करने के लिए, ट्रैफिक से छुटकारा दिलवाने के लिए कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि अलग अलग एरिया में मेट्रो को चलाया जा रहा है, नए नए एक्सप्रेसवे और हाईवे को बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी ट्रैफिक कम नहीं हो रही है। बेंगलुरु काफी बड़ा शहर है, ऐसे में इन सारे प्रयासों से यहाँ की ट्रैफिक कम नहीं होने वाली है और नहीं हो रही है। और इसी चीज को देखते हुए बेंगलुरु में अंडरग्राउंड टनल को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। बेंगलुरु गवर्नमेंट ने इस ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए 190 किलोमीटर लंबे टनल को बनाने की बात कही है। जब इसका ऐलान किया गया था तो कहा गया था कि 45 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और जिन क्षेत्र को चुना जाएगा इस सुरंग को बनाने के लिए उसका सर्वेक्षण स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए टोटल 8 कंपनियों को इसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। जिस तरह से मुंबई में कई सारे अंडरग्राउंड टनल को बनाया जा रहा है ताकि मुंबई के लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिले, मुंबई में कौन कौन सा टनल बनाया जा रहा है इस पर मैंने कल ही ये वाला वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद जा करके देख सकते हो। ठीक वैसे ही बेंगलुरु गवर्नमेंट बेंगलुरु में अंडरग्राउंड सड़क को बनाने की चर्चा कर रही है और इसके लिए इन्होंने नितिन गडकरी से बातचीत भी की है। जिन 8 कंपनियों को इसका काम सौंपा गया है वो इसका रिपोर्ट तैयार कर रही है, वो बताएगी कहाँ पर 4 लेन टनल को बनाना है, कहाँ पर 6 लेन टनल को बनाना है। गाइस ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, 190 किलोमीटर सुरंग के जाल को फैलाया जाएगा पूरे बेंगलुरु में, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है जो अकेले बेंगलुरु गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद चाहिए और बड़े बड़े इन्वेस्टर की भी जरूरत है। ये जो 190 किलोमीटर लंबा टनल है ये एक लाइन में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसको पूरे बेंगलुरु में जाल के जैसा फैलाया जाएगा और कई जगहों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे। अगर इस 190 किलोमीटर टनल के कुछ प्रायोरिटी एरिया की बात करें तो इसमें है बेलारी रोड, ओल्ड मद्रास रोड, स्टीम मॉल से मैखरी सर्कल तक, मिरल रोड, चालुका सर्कल, सरजापुर रोड, ट्रिनिटी सर्कल, हौसर रोड, कनकापुरा रोड, मैसूर रोड, कृष्णा राव पार्क, सिरसी सर्कल, कई मुख्य एरिया हैं, कई मुख्य रोड हैं जहां से होकर के ये टनल गुजरने वाला है। इसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग शहर को जोड़ रहा है, किसी दो स्थान को जोड़ने के लिए डायरेक्ट सुरंग को नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये शहर के ट्रैफिक को देखते हुए कहां पर ज्यादा ट्रैफिक है, कहां से सुरंग को ले जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया जाएगा। जब राज्य सरकार के द्वारा इस प्रपोजल को कंफर्म कर दिया जाएगा उसके बाद इस प्रपोजल को कैंसिल
सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद ही इसका काम स्टार्ट होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का अभी डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में करीबन 50,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है, जिसको की कई फेजों में बनाया जाएगा। इसके पहले फेज में 50 किलोमीटर लंबे टनल रोड को बनाया जाएगा। इस 50 किलोमीटर टनल को बनाने के लिए हर एक किलोमीटर पर 450 करोड़ रुपया खर्च होगा, यानी कि ये काफी महंगा प्रोजेक्ट है। अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर के कई कंपनियां अपनी रिपोर्ट दे रही है। अगर ये टनल बन जाता है तो यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा, एयर पोल्यूशन में कमी आएगी, डेली एक्सीडेंट से छुटकारा मिलेगा क्योंकि ट्रैफिक कम हो रहा है, यातायात सुविधा और अच्छी होगी, तो बेंगलुरु और ज्यादा ग्रो करेगा और ज्यादा डेवलप करेगा। जब तक इसका प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट तैयार नहीं होता है, तब तक इस प्रोजेक्ट के बारे में कंफर्म कुछ भी बताना सही नहीं है। लेकिन पूरे बेंगलुरु को 190 किलोमीटर के सुरंग से जोड़ा जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। जैसे ही इसकी डिटेल रिपोर्ट आती है, डिटेल रूट मैप को तैयार कर लिया जाता है कि यहां से यहां के बीच में बनाया जाएगा, तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कौन सी कंपनी बनाएगी, कब इसका काम स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ इसका प्रपोजल रखा गया है, अलग अलग कंपनियों को इसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया है। किसी एक रिपोर्ट को फाइनल किया जाएगा और जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा तब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। अगर आप भारत के सबसे ऊंचे सबसे लंबे सुरंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सुरंग भी बनकर के तैयार हो चुका है जम्मू कश्मीर में। बाकी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।